हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ मज़ेदार। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट हो जाए, मैं एवरी वीक आपके लिए दो वीडियोस पक्का डालूंगी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में। और मतलब टोटल आपको मिलेगी चार वीडियोस, आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, टू वीडियोस पर वीक, सो दैट हम जल्दी फिनिश करें और आपको वेब डेवलपमेंट का कुछ चस्का लगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले उसे खाने से पहले आपको पता है HTML फॉर्मेट कैसे होता है, सो पहले वो लिख लेते हैं। मैंने जैसे कि कहा था HTML फाइव में डॉक टाइप यूज़ किया जाता है, सो डॉक टाइप HTML। पहले ये फॉर्मेट रख ले, दिमाग में रख लीजिए क्योंकि बहुत यूज़फुल होगा। उसके बाद आएगा हेड, इसको हर टैग को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद टाइटल, आपको पता है ये सभी यूजर्स क्या है, अगर किसको नहीं पता जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इसके यूजर्स मैंने इन डेप्थ बताया है मुझ। और बताइए क्या होगा अगला टैग। जी हाँ, आप सही हैं, बॉडी टैग। सो ये है HTML फॉर्मेट बेसिकली। सो आज हम सीखेंगे थोड़े और टैग्स और आगे बढ़ाएंगे अपने HTML ट्यूटोरियल को। सो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कोटेशन कैसे लिखते हैं कोडिंग में। देखो, ऐसे कुछ लिखा होगा कहीं पर, कोई टेक्स्ट में, इसको कोडिंग में कैसे लिखते हैं। सो बेसिकली आपको यूज़ करना होता है, मैं पहले एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। हाय, हाउ आर यू। सो डाल दिया, आओ, मेरा माउस कहीं कहीं जा रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। ओके, क्यू क्यू टैग यूज़ किया जाता है, आई हाउ आर यू। सो मैंने क्यू टैग यूज़ किया, मैंने सेव किया एंड मैं रन कर रही हूँ अपने। सो आपने देखा यहाँ पर कि मैंने सिर्फ क्यू टैग यूज़ किया और मैंने कोटेशन मार्क नहीं डाला है। अब जाए तो आप मैन्युअली जाके कोटेशन मार्क डाल सकते हैं, ऐसे करके कोई कुछ कुछ नहीं होगा, इट विल रिप्लाई सेम, इट विल रिप्लाई सेम, आपको पता है कोटेशन आ रहा है। मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोडर्स के लिए ये बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। सो गाइस, नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी आप इमेज डाल के और इमेज का साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं वगैरह, एंड उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, आई विल लेट यू नो। सो इमेज का तो टैग पता ही है, MNGSRC इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको सोर्स लिखोगे, यहाँ पर आल्ट, इसके अंदर आल्ट के अंदर वो बताया ये स्क्रीन रीडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्लैश, ओके एंड जस्ट क्लोज इट। उसके बाद एक इमेज लीजिए आप, मैं लोकल फाइल से ले रही हूँ, आप ऑनलाइन वाले भी चिपका सकते हैं डायरेक्ट। सो आई एम टेक अ पिक्चर, सो डेजर्ट का पिक्चर लेते हैं। सो इसका फॉरवर्ड स्लैश होना चाहिए हमेशा, सभी का चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड स्लैश लोकल फाइल्स ऐसे में ऐसे ही चलता है। सो यहाँ पर लिखेंगे डेजर्ट इमेज एंड लेट्स रन। सो यहाँ पर डेजर्ट का इमेज आ चुका है, मगर दोस्तों देखो इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज कैसे सेट करें, दो वेज है, एक है ये, दिस द वन वे, 200 इसका हाइट, हाइट इज इक्वल टू 200। सो आप देखिएगा, देखिए इसका हाइट सेट हो चुका है। देखो ये दोनों एक ही लाइन में रहा है क्योंकि लाइन इसका ब्रेक नहीं किया गया। सो इसका लाइन ब्रेक करते हैं। ओके, सो ऐसा एक तरीका है, और एक है स्टाइल, CSS यूज़ करके इसको सेट कर सकते हैं। आई रिकमेंड यूजिंग CSS, बट फिलहाल आप इतना जानिए कि CSS जब स्टार्ट करूँगी जरूर बताऊँगी, एंड लाइक दैट, लाइक दिस वेज। और इमेज को एक लिंक भी बना सकते हैं, इमेज क्लिक करते ही
किसी और एक साइट पे जाए. लेट मी कॉपी अ लिंक. सो इमेज को लिंक कैसे बना जाए? इमेज को लिंक बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंकर टैग, दैट इज ए टैग. उसके अंदर एक रेफरेंस देंगे href, एक url का जिस जहाँ पर उसको इमेज को जाना है, और इसको टैग को क्लोज करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी है जो है इमेज उसका url वहाँ पर जाए. सो हमने ये कॉपी किया लिंक को और पेस्ट कर दिया. सो अभी देखिए, देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा नहीं है. अब देखिए डिफरेंस, देखो ये एक लिंक बन गया है. अभी मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर गूगल का ही आएगा क्योंकि मैंने उस पेज को लिंक बना दिया है, मतलब उस इमेज को. अगर आपको नहीं, इस पेज पे नहीं लोड करना, किसी नेक्स्ट टैब में ऐसे क्लिक करते ही ओपन ओपोज होना चाहिए. सो आपको तब एक टारगेट, एक कोड लिखना पड़ेगा, दैट इज टारगेट. वी कॉल इट एज एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट एक टारगेट इज एन एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो उसमें जाके देख सकते हैं. यहाँ पर लिखेंगे ब्लैंक, सो दैट अगले एक टैब में जाके ब्लैंक ओपन हो जाए. सी नया टैब में जाके ओपन हो रहा है. सो दिस पेज डजंट गेट अफेक्टेड. इस पेज में ये अफेक्ट नहीं होगा. सो दैट्स हाउ इट्स डन इंग्लिश. उसी तरह किया जाता है ब्लैंक. अगर आपको इसी पेज में लोड करना है तो वैसे कुछ नहीं लिखना पड़ता. अगर लिखना है तो स्पेसिफिकली आप ये भी लिख सकते हो टॉप. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी CSS कैसे और कहाँ कहाँ डालना है. उससे पहले CSS का डेफिनेशन देना चाहूँगी. CSS का वैसे एक वीडियो आएगा जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा CSS क्या है वगैरह एंड स्टफ. बिफोर दैट इसमें वैसे मैं यूज़ करने वाली हूँ ताकि आपको एक पता पड़े. सो मेरे को बोलना पड़ेगा CSS एक चीज़ है जहाँ पर लाइक आपके पास एक कपड़ा है और उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई कलर नहीं, अच्छा नहीं लगता, राइट. सो हम वेबसाइट के लिए एक शेप देना चाहते हैं, एक कलर, अच्छा कलर देना चाहते हैं, उसलिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं. एंड CSS को तीन टाइप है से लगाया जा सकता है. फर्स्ट टाइप होगा इन लाइन, मतलब प्लेस करने के लिए कोड CSS का, इन लाइन इंटरनल एक्सटर्नल CSS. सो तीन टाइप है CSS में, इन लाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो इसका कैसे यूज़ किया जाता है मैं बताना चाहूँगी. इन लाइन CSS वो होता है जहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया हाय क्या चल रहा है और मैंने लिखा पी और मैंने क्लोज किया. अगर ये तो ब्लैक कलर ही आएगा, राइट, वो डिफ़ॉल्ट कलर है. देखो आपको, आप जान भी सकते ब्लैक कलर. इसको अगर मेरे को कलर करना है और उसका CSS कैसे लिख सकते हैं, इसके टैग के अंदर लिख सकते हैं. इसको टैग के अंदर कर लिखने का कहते हैं इनलाइन CSS. सो मैंने लिखा, अगर टैग के अंदर क्यों लिख रहे हो वगैरह, क्योंकि इसे इनलाइन ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है. अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं ज़रूर इसमें ऊपर वीडियो तो बनाऊँगी CSS ट्यूटोरियल्स में. देखो ये रेड कलर होगा अभी, देखा. सो ये इनलाइन में मैंने डाला है, मतलब टैग के अंदर डाला है, इसलिए यहाँ पर क्रिएट हुआ है. नेक्स्ट है इंटरनल CSS. इंटरनल CSS वो है जो हेड के अंदर लिखा जाता है. हेड के अंदर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हेड के अंदर लिखिए, वही सेम मैं यूज़ करूँगी बस पी टैग की तरफ से. डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा CSS का एक ट्यूटोरियल आएगा, इट्स ओके टू रिलैक्स. अब मैं लिखूँगी ग्रीन. सो मैंने यहाँ से हटा दिया है इनलाइन इंटरनल CSS जो मैंने हेड के अंदर रखा है. देखो अभी ग्रीन हो चुका है. और इसके बाद है लास्ट कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS. सो एक्सटर्नल CSS ये चीज़ है कि कुछ और अलग पेज में जाके CSS लिखो और दोनों पेज को लिंक कर दो. फॉर एग्जाम्पल कलर येलो,
और इसको डॉट सी एस एस में ही सेव करना है। तो मैंने सेव कर चुका है और यहाँ पर आके लिप को लिंक करना है, लिंक के बिना नहीं होगा। मैं ये पिछला वाला सी एस एस इनलाइन वाला मिटा रही हूँ। और इसके बेनिफिट क्या क्या है आई विल टेल यू इन अ मिनट। एचरेफ यहाँ पर लिखेंगे वो फाइल का नाम, इससे दोनों लिंक हो जाता है। ओके ये टाइटल आपको पता ही होगा, कुछ भी लिखो उस टैब में आ जाएगा। सो मैंने पी टैग को बना दिया है येलो कलर, लेट्स सी। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर येलो कलर आ चुका है। सो इन लाइन में क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा सी एस एस यूज़ नहीं करना, सिर्फ इसके लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर आके अंदर टैग डाल के सकते हैं, सी एस एस नहीं, इस पेज के लिए सिर्फ यूज़ करना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा सी एस एस है मगर इस पेज के लिए है बस। तो इस पेज के लिए आप यहाँ पर आके लिख सकते हैं, अगर नहीं बहुत सारे सी एस एस है उस पेज में, बहुत सारे वो ये अकेला पेज बहुत सारे पेजेस में अप्लाई करना है तो एक्सटर्नल सी एस एस बेस्ट है। सो उनके 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 बहुत सारे यूजर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आपको सी एस एस का या अभी थोड़ा आइडिया आ चुका होगा, फर्दर वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। इसके बाद ऐसा कि आपने देखा लिंक कैसे करते हैं, उसी तरह आपको और एक आइडिया मिलेगा। जस्ट अ मिनट, आप गूगल में देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल हैकिंग, ये वाला ये लिंकिंग का कलरिंग कैसे होता है। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर है, ये मैंने क्लिक किया है तो ये लाइट कलर आ रहा है, ये मैंने क्लिक नहीं किया है तो इसलिए डार्क कलर आ रहा है। ये कैसे आता है, ये बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको पहले लिंक क्रिएट करना होगा, ए टैग एच रेफ, इसके अंदर सोर्स लिखो। आपको दिखाऊंगी आई व्हाट्सएप, सो इसी तरह मैं चार लिंक क्रिएट करूंगी। सो मैंने क्रिएट किया और बी आर भी लगा देते हैं क्योंकि लाइन ब्रेक करते हैं बेस्ट होगा। सो एचरेफ सब कुछ आ चुका है। सो इसमें एक लिंक देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका लिंक देते हैं google.co.in, ठीक है, सभी में वही देते हैं। सो ये तीन लिंक बन चुके हैं। ओह गिव मी अ मिनट, यहाँ देख सकते हैं तीन चारों लिंक बन चुका है। इसके बाद स्टाइल हमको एक कलर लिखना होगा क्योंकि ओके हम ए को एक कलर बनाते हैं रेड, बेसिकली रेड रेड नहीं ग्रे ठीक रहेगा। उसी तरह चार टाइप चाहिए, ओके मैंने चार टाइप क्यों बनाया, अगर इस लिंक को कोई हवर करे सो हमको कलर चाहिए रेड। अगर इस लिंक को पहले ही विजिट कर चुका है तो हमको कलर चाहिए ब्लू। अगर यहाँ पर मिस हो चुका है, सो बी केयरफुल गाइस, एरर नहीं बनाना। अगर लिंक एक्टिव है तो हमें कलर चाहिए पर्पल, सो सॉरी सो हमें कलर चाहिए पर्पल।
सो मैंने विजिट हावर कलर इसका सब कुछ बना दिया है। अब जाके देखते हैं क्या होता है। मैंने थोड़ा लिंक चेंज किया है, लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं ये सब विजिटेड हो चुके हैं और होवर करने पर रेड आ रहा है। ये सिर्फ ग्रे है क्योंकि लिंक को विजिट नहीं किया गया है। और अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो मैंने इसका मतलब क्लिक किया येलो कलर हुआ, लेट्स कम बैक, इट बिकम्स ब्लू, राइट। और जब क्लिक करो एक्टिव हो जाता है लिंक। सो दैट्स हाउ द गूगल डज। अब जब क्लिक करते हैं उसका कलर थोड़ा डिम बनाता है, बस सिंपल इट हैज इट इज। सो दिस हाउ द लिंकिंग इज डन। एंड इसके बाद आपको टेबल्स कैसे बनाने मैं सिखाना चाहूँगी। बहुत सिंपल है दोस्तों, टेबल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग को पता है। टेबल्स टैग ही हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए। उसके अंदर हम पहले लिखेंगे टी आर मतलब रो होता है, रो। जिसको नहीं पता मैं उसको बताना चाहूँगी, रो मतलब ये ऐसे जो लाइन है वो रो होता है, ऐसे जो है ये कॉलम होता है। सो बेसिकली पहले एक रो क्रिएट किया है, रो के अंदर हम लिख रहे हैं टी एच। सो टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। सो उस टेबल के एक हेडिंग चाहिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर नेम लिख लेते हैं और यहाँ पर नंबर। ओके दोस्तों, उसके बाद हमको उसका अंदर का कंटेंट चाहिए, तो और एक रो रो बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे टी डी। टी डी मतलब उसके अंदर का स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं हम लोग, टी डी मतलब उसके अंदर का कंटेंट। सो ये है, बन गया है। सो इसका इसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखेंगे, नमिता, और उसका नाम है नमिता, उसका नंबर लिख दिया। तो एक रो हम लोग ने इसको फिलअप करके दे दिया है, और एक रो बनाते हैं, कुछ भी बना दिया। सो लेट्स चेक आउट गाइस। सो देखो आपको हेडिंग मिल गया, हमको उसके नीचे का कंटेंट मिला। अगर बॉक्स क्यों नहीं है, बॉक्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसके कुछ सी एस एस नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका शेप बनाने के लिए। सो हम लिखेंगे एक सी एस एस टेबल बॉर्डर और एक लिखेंगे एक पी एक्स मतलब उसका साइज कितना होना चाहिए, 1 PX, ब्लैक कलर होना चाहिए। और सॉलिड होना चाहिए, दैट्स इट। आपको लाइंस के बारे में बताया था, सॉलिड आउटसाइड इनसाइड। सो देखो एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है, इसके साथ हम लोग इसको भी जोड़ देते हैं टी एच और टी डी। सो एक बॉक्स कंप्लीट बन गया, आपको एक टेबल रेडी मिल गया है। और टेबल का इन डेप्थ उसके बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूँगी, आप उसको उसे देख सकते हैं एक बार। सो नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगी लिस्ट कैसे करें। कोई सामान आप घर से लेते हो उसको लिस्ट कैसे करें, एक लिस्ट लिखते हो ना एक पेपर में, ऐसे ही कोडिंग में कैसे लिस्ट लिखें। देर आर टू टाइप्स इन कोडिंग, दो टाइप के हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। सो अनऑर्डर्ड पहले लेते हैं, अनऑर्डर्ड के लिए यू लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लोज करो टैग को और उसके ऊपर लिखो एल आई मतलब उसका लिस्ट। सो मैंने इसको देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, डॉट में आता है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबर के साथ आता है। सेम आई नो, सेम कॉपी किया मैंने और इसको यू के बदले ओ लिखो बस। ओ ओके, सो देखिए सेम चीज़ 1 2 3 में आया क्योंकि इसको ऑर्डर किया गया 1 2 3 में। ये अनऑर्डर लिस्ट,
इसे ऑर्डर नहीं किया गया है। इसको स्टाइल भी डाल सकते हैं, वो जाते जाते मैं बता दूंगी सीएसएस में कैसे करना है, अनऑर्डर लिस्ट में डॉट के बदले सर्कल कैसे लाए और एवरीथिंग। सो आज अपने इतना सारा सीखा टैग्स एंड एवरीथिंग। इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और दो वीडियोस होंगे और एचटीएमएल खत्म कर दिया जाएगा। HTML5 भी कॉन्सेप्ट मेरा इंट्रोड्यूस कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज एक प्रोडक्टिविटी ट्राई कीजिए, घर जाके कुछ चीज़ें बनाइए, मज़े कीजिए और हैप्पी कोडिंग। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।